तो देखिए मैं इसे दबाऊंगा तो आवाज आएगी आपको, ये देखिए गाइस। तो इसका मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और हेलो भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। और गाइस आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये मॉस्किटो बैट, आप देख सकते हैं। इसे रिपेयर करना बहुत आसान है, इसमें दो तीन प्रॉब्लम आती है, तो चलिए इसको रिपेयर कर लेते हैं। और गाइस उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी हर वीडियो को देख सके। और भाइयों मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी टोटल हिंदी टेक्निकल ही है, तो आप वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर भी मैं बहुत अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को बना लेते हैं। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों ये रहा हमारा मॉस्किटो बैट, आप देख सकते हैं। और अब चलिए इसको खोल लेते हैं और इसमें क्या बीमारी है जब भी पता लगेगा खोल करके इसको, तो इसको फटाफट से मैं खोल लेता हूँ। तो खोलने के लिए हमारे पास ये वाला स्क्रू ड्राइवर है। तो भाइयों देख सकते हैं हमने ये खोल लिया है। तो भाइयों ये देख सकते हैं ये पूरा इसका सर्किट है, और ये सर्किट भी आपको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये रहा इसका सर्किट, और सर्किट इसका ठीक है, बस इसमें तीन चीज की प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बैटरी है ये देख सकते हैं, इसमें ये छोटी सी बैटरी होती है, देखिए कितनी सी बैटरी है। तो गाइज इसकी बैटरी में ही प्रॉब्लम है ज्यादा, तो बाकी भी दो और प्रॉब्लम है, तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो बैटरी की। तो इनके कनेक्शन में हटा देता हूँ, ये रेड वाला प्लस है तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से हटा देता हूँ। ये देखिए बैटरी इसकी डैमेज हो चुकी है, तो बैटरी हमें चेंज करनी है। और बैटरी इसमें मैं लगाऊंगा ये वाली लिथियम आयन बैटरी, ये देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल बैटरी है, तो इसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो पिछले व्लॉग में मुझे ये दिक्कत आई थी कि इस बैटरी को मैं यहाँ पर फिट नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जगह ही नहीं मिल पा रही थी, कैसे फिट करूँ। तो गाइज इसका आइडिया अब मुझे आ चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका ऊपर वाला ढक्कन है जो इसे ऐसे बंद करेगा, ये ऐसे करता है इसको बंद, तो इसमें ही हम ये बैटरी लगाएंगे। और ये लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है गाइज। तो बड़े आराम से ये फिट हो जाएगा। सबसे पहले इस बैटरी को मुझे यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा इस प्रकार से, और चिपकाने से पहले मैं इसमें कनेक्शन करके दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए ये दोनों जो कनेक्शन है ये बैटरी के है, और इसमें माइनस वाले में मैंने थोड़ा सा तार जोड़ दिया है, तो वो उसकी जरूरत थी इसलिए मैंने जोड़ा। अब चलिए मैं यहाँ पर इस बैटरी में कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए प्लस है, तो प्लस में हम सीधा प्लस जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए। तो भाई ये देख सकते हैं ये सर्किट के साथ मैंने बैटरी जोड़ दी है, ये देखिए। और अब ये बैट हमारा तैयार हो चुका है। और गाइज इसमें एक मैंने यहाँ पर बटन भी चेंज किया है, ये देखिए ये रहा ये बटन सर्किट में, यहाँ पर मैंने अभी लगाया है। तो भाइयों ये मैंने पहले ही लगा दिया क्योंकि व्लॉग काफी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस छोटा करने के लिए पहले ही लगा दिया। तो गाइज चलिए सबसे पहले इस बैटरी को हम अब यहाँ पर चिपका देते हैं, तो ग्लूगन की सहायता से बहुत आसानी से चिपक जाएगी और ये उतरेगी भी नहीं, ठीक है इस प्रकार से, देखिए। तो देखिए मैं इसे दबाऊंगा तो आवाज आएगी आपको, ये देखिए गाइस। तो इसका मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और चलिए अब इसे बंद कर देते, कभी मुझे शॉक लग जाए, तो ये मैंने बंद कर दिया है, ये देखिए। तो भाइयों देख सकते हैं ये पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है, और अब चलिए इसको हम फिट कर देते हैं। तो ये इसकी लाइट है, ये बाहर निकल गई, तो इसको मैं सही से यहाँ पर बीच में रख दे रहा हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने रख दी है। और भाई सबसे पहले हमारा जो सर्किट है इसको मैं यहाँ पर स्क्रू से टाइट करना है, तो ये इसी का स्क्रू है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जिससे कि ये अपनी जगह यहीं पर रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई ये सर्किट मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब ये सामने वाला बटन है, जो बटन प्रेस करना है तो इसके सामने ये लगेगा, तो इसे मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा दूंगा इस प्रकार से। और अब चलिए इसे मैं यहाँ पर ऊपर से अच्छी तरीके से बंद कर दूंगा, ये देखिए। तो बहुत आसानी से ये सर्किट तैयार हो जाता है गाइज, और इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग भी नहीं है। और ये देखिए हो चुका है। और अब चलिए इसके सारे स्क्रू को हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो बहुत आसान है इसको रिपेयर करना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कोई भी कर लेगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे ही बस इसको आपको करना है, सारी चीजें इसी तरीके से आपको रिपेयर करनी है। ये देखिए मैं सारे स्क्रूज के टाइट कर रहा हूँ, तो देखिए पूरा तैयार हो चुका है। तो भाई देख सकते हैं मोबाइल को मैंने यहाँ पर रख दिया है, और बैट हमारा ये रहा। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो पीला बटन आपको दिख रहा है ना, जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा इसकी जाली में तभी करंट आएगा, ये देखिए। तो ये देखिए मैं इसको दबाऊंगा, ये देखिए। तो मैंने गाइस दबा दिया है और इसे दबा के ही रखना है। तो अब देखिए ये मेरे पास यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, इसको मैं टच करूंगा तो ये ब्लास्ट होगा, ये देखिए। तो भाइयों आपने देखा, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रू और टच करता हूँ ये काम करता है, तो कुछ इसी प्रकार से ये काम करता है बैट। और देखिए मैंने बटन को छोड़ भी दिया है, अभी भी ये काम करेगा, ये देखिए गाइस, लेकिन अब नहीं करेगा
क्योंकि वो करंट जो था ना चार्ज हुआ था ये वो खत्म हो गया है, तो जैसे इसे दबा के रखना होता है तभी ये काम करता है। तो गाइज इस प्रकार से ये बैट काम करता है, तो गाइज बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और गाइज चलिए मैं आपको लाइट जला करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें तीन ऑप्शन है, जैसे मैं इसे आगे प्रेस करूंगा तो लाइट जल जाएगी, ये देखिए। तो गाइज देखिए मैंने आगे प्रेस किया और लाइट हमारी जल चुकी है। तो इसमें सारी फैसिलिटी दी हुई है, यहाँ पर बीच में ये ऑन होता है सर्किट और लास्ट में ये बंद हो जाता है, ठीक है। और रिचार्ज आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो गाइज ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो भाई आपको मॉस्किटो बैट रिपेयरिंग का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।